इज़्न रुख़सत मुझे मिले बदल डाली अब किसी का भी इंतजार नहीं। जा रही हो जी? जा रही हूँ वापस लौट कर आने के वादे के साथ। जब से एहतशाम से मेरी शादी हुई है तब से लेके अब तक इन्हीं चंद दिनों में मैंने अपने और एहतशाम के बीच दूरी देखी। उन्होंने मोहब्बत से नहीं तलखी से बात की। पहली बार एहतशाम के माथे पर अपने लिए शिकने नजर आई। इसकी वजह कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इस घर में मौजूदगी है। तुम्हें क्या लगता है इन सब बातों के बावजूद मैं तुम्हें दोबारा कभी इस घर में खुशामदीद कहूंगी? आपने मेरी मां से उनका शौहर छीना है, शायद इसलिए क्योंकि मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। लेकिन आप कभी मुझसे मेरा बाप नहीं छीन सकती, और जानती हैं क्यों? क्योंकि एक बाप और एक बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत होता है, उसे कोई भी इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता। ये घर मेरे बाप का है और मेरा जब जी चाहेगा मैं यहाँ आऊंगी। आप मुझे नहीं रोक सकती। ये मेरा घर है, सुना तुमने? मेरा घर। इस घर को मैंने अपने खूने दिल से सींचा है। इसकी एक एक ईंट मेरी एहसान मंद है। इसके हर दरवाजे हर दीवार में मेरा अक्स है। यहाँ आने से पहले 100 बार सोच कर आना, और हाँ पूछना अपनी माँ से किस गुरूर किस हरधर्मी बेदर्दी से तुम्हारे बाप को यहाँ छोड़कर चली गई थी। उनके एतमाद एतबार और उनके मान को अपने गुरूर के कदमों तले रौंदती हुई, और पूछना अपने बाप से उनको किसने संभाला था, उनके जख्मों पर मरहम किसने रखा था, उनको दोबारा अपने कदमों पर किसने खड़ा किया था। मैंने तुम्हारी माँ से तुम्हारा बाप नहीं छीना था, उसने एहतशाम को मुझसे छीना था। अरे मैंने तो तुम्हारी माँ के छोड़े हुए शख्स को सर का ताज बनाया तो ये घर बनाया। चली जाओ यहां से और दोबारा पलट कर मत आना, यही हम सबके लिए बेहतर होगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नायला। मैंने एक भी लफ्ज झूठ या गलत नहीं कहा, और जो कुछ भी कहा उस पर शर्मिंदगी भी नहीं है। मौत खाई है यूं मुकद्दर से मिले प्यार के सिले। गर्मा गर्म चाय। क्यों कर रहे हो इतनी खिदमतें? आदी हो जाऊंगी मैं। तुम खिदमतें करवाने की आदी हो ही नहीं सकती तहरीम हसन, तुम खिदमतें करने की आदी हो। अल्लाह मैंने आज तक कभी किसकी खिदमत की है? अच्छा तुमने कभी किसी की खिदमत नहीं की? बाबा जान की, नोवेरा की। नोवेरा के आखिरी दिनों में तुमने दिन रात जिस तरह उसका ख्याल रखा मैं कभी भूल नहीं सकता। छोड़ो दानियाल, तुम भी क्या पुरानी बातें लेकर बैठ गए। आमखे में ऑफिस से छुट्टी की, चले जाते। भाई तुम्हें इस हाल में छोड़ने का रिस्क मैं तो नहीं ले सकता। मत किया करो मेरा इतना ख्याल। क्यों, क्या वजह है? क्यों ना करो? तुम्हारा और मेरा एक दूसरे के अलावा और है ही कौन? मैंने तो पहले ही कहा था शादी कर लेते हैं। तुम हाँ कर देती तो आज ना तुम अकेली होती और ना मैं तन्हा। और मैंने तुमसे कहा था दानियाल कि मैं और तुम कभी शादी नहीं कर सकते,
मेरी जिंदगी में अब शादी जैसे रिश्ते का कोई तसव्वुर बाकी नहीं रहा है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, कजन्स हैं, एक दूसरे का अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है। अगर हम शादी कर लेते तो हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए मौजूद ये हमदर्दी, ये खलूस बाकी ना रहता। क्यों ना रहता? क्योंकि मेरी नजर में अब इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं रही है, और जिस रिश्ते की कोई अहमियत ना रहे उस रिश्ते से जुड़ी हर खुशी बेमानी हो जाती है। रात गए सुंदस का फोन आया था, मैंने उसे तुम्हारी तबीयत के बारे में बताया। बहुत परेशान लग रही थी, मुझे लगता है भागी भागी चली आएगी। क्यों बताया तुमने उसे मेरे बारे में? अच्छा है रहे बाप के साथ, शौक पूरा करे। क्यों ना बताता उसे, उसका हक है जानने का। और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो कि ना तुम उसके बगैर रह सकती हो और ना वो तुम्हारे बगैर। जज्बात में आकर तुम उसे एहतशाम के घर छोड़ तो आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहीं की होकर रह जाएगी। वैसे हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, हमें सुंदस को उसके बाप के बारे में ठीक से बताना चाहिए था। हमने उसे ना बताकर बहुत गलत किया। हम बस ये समझते रहे कि सुंदस ने पूछा नहीं, इसलिए हमें उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद हमने समझा कि उसने इस बात को ज़हनी तौर पर कबूल कर लिया है, लेकिन हमें फिर भी उसे एहतशाम से मिलवाना चाहिए था। ऑन एंड ऑफ सुंदस को उसके घर भेजना चाहिए था। अगर हम ये सब करते तो शायद ये तकलीफ़दे सूरत हाल जन्म ही ना लेती। दानियाल, तुम जानते हो ये बाबा का फैसला था कि एहतशाम और सुंदस कभी आपस में ना मिले। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि बड़े जज्बात में आकर अक्सर ऐसे फैसले कर देते हैं जिन पर बाद में पछताना पड़ता है। कुछ भी कहो, हमने सुंदस के साथ ज्यादती की है। उसे उसके बाप की शफकत से महरूम रखना, उसके साय से महरूम रखना बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी पौधे को सूरज की धूप से महरूम रखकर परवान चढ़ने पर मजबूर किया जाए। एनीवे, तुम नाश्ता करो ताकि मैं जाऊं, अगर नहीं करोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। थैंक यू दानी। ये जुमला तुम कहना नहीं भूलती। साइमा, जल्दी करो भाई, देर हो रही है। बस अभी आई। मामा, क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? तहरीम के लिए अच्छा सा नाश्ता बनवाया, बस वो लेके जा रही हूँ। इसकी क्या जरूरत है मामा? हर बात जरूरत के तहत नहीं की जाती, कुछ बातें दिली खुशी के लिए भी की जा सकती हैं। वो लोग समझेंगे कि हम खामखा खुद को उन लोगों पर मुसल्लत कर रहे हैं। वो ऐसा कुछ नहीं समझेंगे, और अगर समझते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? किसी की आयादत करना सवाब का काम है। मैं सिर्फ तहरीम की आयादत के लिए जा रही हूँ, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मामा, मैं नहीं चाहता कि सुंदस मेरे बारे में कोई गलत राय कायम करे। वो पीछे हट रही है, मैं मुसलसल आगे बढ़ रहा हूँ। मैं उसको ऐसा तासुर नहीं देना चाहता। डोंट यू वरी माई सन, मैं तुम्हें कहीं भी लेट डाउन नहीं होने दूंगी। मैं वहां ऐसी कोई बात नहीं करूंगी जिससे सुंदस को ऐसा कोई तासुर मिले। खुश? साइमा जी। भाजी आ गए। भाई, ड्राइवर की तो आज छुट्टी है, तो मुझे ड्रॉप करने का तो फेवर मिलेगा ना? जी बिल्कुल, दो मिनट दें, चेंज करके आता। जल्दी से आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बाबा, आप नायला आंटी से खफा हो गए हैं? नहीं, मुझे दुख हुआ है। किस बात का दुख? जो लोग दिल के करीब होते हैं, दिल की बात सुनते नहीं, दुख तो होता है ना बेटे। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स को नायला समझ नहीं सकी, इस बात का मुझे बहुत दुख है। आप बहुत चाहते हैं ना उन्हें? हाँ, वो भी मुझे बहुत चाहती है। उसने कभी भी कहीं भी जिंदगी में मुझे मायूस नहीं किया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। ऐसे वो दिल की बुरी नहीं है, लेकिन पता नहीं तुम्हारे अचानक आ जाने से इस तरह इनसिक्योर क्यों हो गई। मैंने आपसे कहा था ना बाबा, अगर किसी पुरसकून तालाब में पत्थर उछाला जाएगा तो दायरे तो बनेंगे ना।
बाबा आपसे एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ पूछो। बाबा आपकी और मामा की डिवोर्स क्यों हुई? आप इतने अच्छे हैं और मामा भी बहुत अच्छी है, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा कैसे और क्यों हुआ। कभी कभी दो अच्छे अफराद एक दूसरे के लिए अच्छे साबित नहीं होते, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं। और जिसने भी तुम्हें कहा है गलत कहा है। क्या तुम्हारी और मेरी मामा की डिवोर्स नहीं हुई, सिर्फ सेपरेशन हुई। क्या कहा बाबा आपने, आपकी और मामा की डिवोर्स नहीं हुई? नहीं। आपने मेरी मां से उनका शौहर छीना है, शायद इसलिए क्योंकि मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, लेकिन आप कभी मुझसे मेरा बाप नहीं छीन सकते। ओके मामा। तो मेरे साथ अंदर नहीं चलोगे? प्लीज मामा, मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला, अपने बेटे की ईगो को मजीद हर्ट ना होने दे। अच्छा ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं भी ज्यादा देर नहीं रुकूंगी, एक आध घंटा रुकूंगी बस। ठीक है, मैं आपको ठीक एक घंटे बाद पिक कर लूंगा। बेहतर। शुक्रिया। आपने खामखा में इतना तकल्लुफ किया, अब तो मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, शर्मिंदा कर दिया आपने मुझे। शर्मिंदगी कैसी, आप मुझे बहनों की तरह अजीज हैं तेरी, और जो लोग दिल को भा जाते हैं उनके लिए कुछ करने से दिल को खुशी महसूस होती है, और मैं तो सिर्फ अपने दिल की खुशी का सामान कर रही हूँ और कुछ भी। फिर भी इतना कुछ ले आई यहाँ? अरे कुछ नहीं, मिलकर नाश्ता कर दें। सुंदस को भी बुला लीजिए ना, कहाँ है वो, और उसके तो बाबा भी आ गए होंगे, आज उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। अच्छा बेटे, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। क्या मतलब है बाबा, आप अंदर नहीं आएंगे? बेटे मुनासिब नहीं लगता। बाबा मैं चाहती हूँ कि आप अंदर चलकर मामा से इजाजत लें कि मैं हफ्ते में एक बार आपसे जरूर मिलूं, क्योंकि आपसे मिलना मेरा हक है और मुझसे मिलना आपका हक है। बाबा अगर मैं मामा से बात करूंगी तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे, खफा हो जाएंगे। बाबा आपका कहना ज्यादा मायने रखता है, प्लीज बाबा मेरे लिए। क्या हुआ तहरीम, आप इतनी देर से खामोश हैं? आप कुछ बताने वाली थी ना सुंदस और उसके बाबा के बारे में। बात दरअसल ये है कि मैं और सुंदस के बाबा मामा अब आपकी तबीयत कैसी है? अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फाइन। अभी मैं तुम्हारी मामा से तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का ही जिक्र कर रही थी। कहाँ हैं तुम्हारे बाबा? मेरे बाबा ये रहे मेरे बाबा। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
जी वालेकुम सलाम। बाबा आइए ना, बैठिए। कैसे हैं भाई साहब? आपका बहुत जिक्र सुना था, आज मुलाकात भी हो गई। यकीन जानिए कि आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। शुक्रिया भाई साहब। कब वापसी हुई आपकी? हम तो कब से आपके लौटने के मुंतजिर थे। जी मैं बस हाल ही में हूँ। बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का। ये आपकी जो बेटी है ना, दीवानी है आपकी। मैं देखती हूँ। कैसे हो? मैं वो मामा को लेने आया था। अच्छा, अंदर आओ ना प्लीज। जी मेरा मेडिसिन का बिजनेस। अच्छा। बाबा ये हैदर है, मैंने आपसे जिक्र किया था ना। हाँ हाँ, कैसे हो हैदर? जी ठीक हूँ। और हैदर ये मेरे बाबा है, the best बाबा in the world। बहुत लकी हैं आप लोग। मेरा ख्याल है बहुत कम घराने ऐसे होते हैं जहाँ पे फैमिली मेंबर आपस में इस तरह जुड़े हुए हों कि उनका एक दूसरे से जुदा होने का तसव्वुर भी महाल हो। भाई साहब, वैसे तो हर बाप अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और बेटी बाप से, मगर आप दोनों की मोहब्बत मिसाली है। ठीक कह रही हैं आप, बाप बेटी का रिश्ता होता ही बहुत मुकद्दस है। बिल्कुल। वैसे सुंदस की ऐसी कोई बात नहीं होती जिसमें आपका जिक्र ना। यूनिवर्सिटी में हम सारे फ्रेंड्स आपके बारे में बहुत जानते हैं, और आपकी इस बेतहाशा मोहब्बत ने सुंदस की जिंदगी में किसी दूसरे रिश्ते की गुंजाइश छोड़ी ही नहीं। क्यों सुंदस, ठीक कह रहा हूं ना मैं? बेटी बैठो। थैंक यू अंकल। मामा मैं आपके बाहर बैठा। Excuse me. हाँ भाई साहब, आपने हमारे सिलसिले में कुछ सोचा या आप लोगों का वही फैसला अटल है? मेरा मतलब है कि हैदर और सुंदस के रिश्ते के सिलसिले में कुछ सोचा जा सकता है? हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सुंदस को मोटिवेट करें इस बारे में। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा वाकई आप लोग इस रिश्ते को कंसीडर कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। दरअसल सच कहूं, अपने बच्चे की उदासी और उसके चेहरे पे मायूसी उनसे देखी नहीं जाती, इसलिए बार बार एक उम्मीद लेकर आप लोगों की तरफ चली आती। भाई साहब, मेरा बच्चा बहुत छोटा था जब उसके फादर चल बसे। मैंने अपने बेटे की बहुत लाड प्यार से परवरिश की है, मगर उसे बिगड़ने नहीं दिया। मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो मॉरल वैल्यूज पे बहुत यकीन रखता है। उसे जिंदगी में बाप की कमी को कभी महसूस किया भी तो मुझे एहसास तक नहीं हुआ। और सुंदर तो बहुत लकी है जिसे तहरीन जैसी माँ और आप जैसा बहुत चाहने वाला बाप मिला। मैं जानती हूँ कि ये फैसला आप लोगों के लिए मुश्किल साबित हो रहा है, मगर मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि सुंदस का हाथ
आप लोग हैदर के हाथ में देंगे तो आप लोगों को कभी भी मायूसी नहीं होगी। क्या हुआ हैदर, कब से ऐसे खामोश खड़े हो? नाराज होना मुझसे। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। भला मैं क्यों तुमसे नाराज होने लगा? एक्चुअली सुन, दिस बात यह है ना, नाराज होना तो उसका बनता है जिसके साथ आपका कोई ताल्लुक हो, कोई रिश्ता हो। अभी मैं तुम्हारे बाबा से यही बात कर रहा था कि उनकी मोहब्बत ने तुम्हारी जिंदगी में किसी दूसरे रिश्ते की गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो अगर तुम अपनी जिंदगी में किसी की नाराजगी या खफगी की परवाह करो तो सिर्फ अपने बाबा की करना, क्योंकि कोई दूसरा शख्स तुम्हारे लिए इतनी अहमियत नहीं रखता। मैं जानती हूँ हैदर, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत अजियत पहुंचाई है। हाँ, ये बात सच है सोनिया, और मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। तुमने मुझे बहुत तकलीफ और अजियत पहुंचाई, क्योंकि मैं इस खुशफहमी में मुब्तला था कि जो जज्बे मेरे दिल में तुम्हारे लिए, वही जज्बे तुम्हारे दिल में मेरे लिए। तुमने मुझसे कभी कहा नहीं, लेकिन तुम्हारी आंखों ने बार बार मुझे कहा, और मैं आंखों की जबान पे यकीन रखने वाला एक सादा सा इंसान, और जब किसी सादा से इंसान को चोट पहुंचती है ना तो बहुत दर्द होता है। आंखों की जबान पर यकीन कर लेने वाले सादा दिल इंसान बहुत अच्छे होते हैं हैदर। वो दूसरों की मजबूरियों को समझते हैं और उनकी माजरतों को कबूल करते हैं। काश काश तुम भी ऐसा कर सको। और हाँ, मुझे तुम्हारी परवाह है और तुम्हारी नाराजगी की भी परवाह है। तुम यकीन करो या ना करो। बरसों बाद अपनी बेटी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एहसास था, मेरे लिए भी और सुंदस के लिए भी। तो उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी तुम हम बाप बेटी के एहसास का एहतराम करोगे। आमीन। हमारे मिलने पर तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, ये मेरा हक है। हाँ ठीक कह रहे हो, तुम्हारा हक है। भला मैं कौन होती हूँ बाप बेटी के दरमियान आने वाले? तेरी मैं तुम्हारे मुकाबले आने की कोशिश नहीं कर रहा। इतने बरसों में जो तुमने सुंदर के लिए किया, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी जिद या लड़ाई का ईंधन बनके अपने हकीकी और जायज रिश्तों से महरूम रहे। ठीक कह रहे हो तुम, मैं भी अब ऐसा नहीं चाहती। तुम जब चाहो सुंदर से मिल सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। शुक्रिया। मात खाई है यूं मुकद्दर से, न मिले प्यार के सिले जाना, जिसकी खातिर मिटा दिया खुद को, उसको हमसे रहे गिले जाना। मामा, रियली सॉरी। काश मैं आपको अपना दिल खोल कर दिखा सकती कि इस दिल में आपके लिए कितनी मोहब्बत है। मोहब्बत के इजहार के लिए दिल खोल कर दिखाने की जरूरत नहीं होती।
इंसान अपनी जबान और अमल से इस बात का इजहार कर देता है कि उसके दिल में किसी के लिए कितनी मोहब्बत। तुमने भी अपनी जबान और अमल से इस बात का इजहार कर दिया कि तुम्हारे दिल में अपनी माँ के लिए कितनी मोहब्बत है। नहीं मामा, प्लीज ऐसी बातें मत करें। आप मेरे दर्द, मेरे दुख, मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश तो करें। मैंने तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारी अजियत समझने की कोशिश की थी जब ही तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले करके आ गई थी। तुम क्यों चली आई? मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। जो कुछ था सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया। नहीं मामा, इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं आपके बगैर खुश रह सकूं। मैंने तो सिर्फ इतना चाहा था कि मैं आपको और बाबा को एक मंजर में देख सकूं। आप जानती हैं, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था, सिर्फ इसलिए कि मैंने आपको और बाबा को एक साथ देखा, एक मंजर में देखा। आपने बात नहीं की, लेकिन आप दोनों के दरमियान जो एक ताल्लुक की डोर थी वो वहां बैठे हर शख्स ने महसूस की। मामा, मुझे हमेशा से इस मंजर की ख्वाहिश थी, और आज जब इतनी मुश्किलों के बाद ये मंजर मेरे हाथ आया तो प्लीज आप मुझसे नाराज ना हो। प्लीज मुझे इस लम्हे को महसूस करने दे, इस खुशी को महसूस करने दे। प्लीज, प्लीज मामा मुझसे नाराज मत हो, प्लीज। ठीक है बेटा, मुझसे नाराज नहीं, तुम जाओ, मैं कुछ देर तन्हा गुजारना चाहूं। नाम क्या दूं ऐसे ओ मेरे हमदम, तेरी चाहत यकीन है के गुमा, छोड़ना ऐसे तू मेरा दामन, देख कर ना मेरे ख्वाब धुआं, काश दामन दिल से ले जाना, इज़्न रुख्सत मुझे मिल जाना, इज़्न रुख्सत मुझे मिल जाना। तो आप आ ही गए। नायला, तुम्हें यकीन होना चाहिए मैं कहीं भी जाऊं वापस यही होगा। यकीन तो बहुत था दिशा, लेकिन जब मोहब्बत करने वाला लहजा बदल जाए ना, यकीन करने वाला दिल भी कमजोर पड़ने लगता है। जब जब आपकी आंखों का रंग बदलेगा ना एहतिशाम, मेरे चेहरे की रंगत खुद ब खुद बदल जाएगी। बैठो। एक यकीन वो है जो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर है, और एक यकीन वो भी है जो मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर है। अगर मेरी आंखों का रंग तुम्हारे लिए अहमियत रखता है तो तुम्हारे लहजे की तलखी और तुम्हारे माथे की सिलट मेरे लिए भी मानी रखती। नहीं, एक बात का एहसास तो आपने मुझे दिला ही दिया है दिशा। जब कभी भी पुराने रिश्ते आकर हमारे बीच में खड़े हो जाएंगे, आपको ना मेरे लहजे की तलखी नजर आएगी और ना मेरे माथे की सिलवट। ऐसा ही है।
बहुत अच्छी और पुरसकून जिंदगी हम गुजार रहे हैं इस छत के नीचे नायला। नायला, जब रास्ता ना हमवार होता है, नशे व फराज आते हैं, हर्डल्स आते हैं, तब पता चलता है, तब पता चलता है एक दूसरे का कि कितना साथ दे सकते हैं। संदेश मेरी बेटी है नायला, उसकी रगों में मेरा खून दौड़ता है। उन्हीं रिश्ते ना कभी पुराने होते हैं, ना उनको छोड़ा जा सकता है। की जुबान पर यकीन कर लेने वाले सादा दल इंसान बहुत अच्छे होते हैं इधर। वो दूसरों की मजबूरियों को समझते हैं और उनकी माजरतों को कबूल करते हैं। काश काश तुम भी ऐसा कर सको। पहली ख्वाहिश तू पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है, नाज क्यों करे ना हो मुकद्दर पे। साथ तू है तेरी इनायत है, दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं गिले जाना। अरे भाई, कोई है इस्तकबाल करने वाला, वेलकम कहने वाला? मेरे मामा पापा होते हैं यहाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम मामा। तो आ गए। तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गई थी, तुम्हें देखकर मेरी आंखों की रोशनी लौट आई। अभी आप लोग मुझे रिसीव नहीं करने हैं, मैं तो सोचा था मेरी आने की खबर सुनकर आप दोनों खुशी से पागल हो जाएंगे। खैर छोड़ें इन बातों को, पापा कहाँ है? आप ठीक है ना मामा? आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा भी ठीक है, अभी भी नींद से उठे हैं ना, इसलिए तबीयत थोड़ी सी बोझल है। चलें ये बताएं खाने में क्या पकाया है? कसम से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। कुछ नहीं पका सके, सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द था। आप तो कह रही थी मैं आपके लिए बहुत कुछ बनाऊंगी जब मैं आऊंगा। I'm really sorry. बता रही हूँ ना, सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द था, लेकिन प्रॉमिस कल तुम जो कहोगे मैं तुम्हें बना के खिलाऊंगी। अभी तुम यूँ करो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कबाब तल रही हूँ और तुम्हारा फेवरेट चीज ऑमलेट बना रही हूँ। मामा मैं पिछले 10 दिनों से कबाब और ऑमलेट खा रहा हूँ। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर से कुछ लेके आता हूँ। अरे अरे नहीं बाबा, रहने दें, मैं इतने दिनों से बाहर का खाना खा रहा हूँ, अब तो मेरे मैदे ने भी हाथ जोड़ दिए हैं, चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे मामा के हाथ का खाना खाना है। मैं इसी कबाब और ऑमलेट से काम चला दूंगा, दम की बिरयानी और कोरमा कल से ही। क्यों मामा? हाँ चलो फ्रेश हो जाओ, मैं ऑमलेट बनाऊंगा। आ जाओ, मैंने तुमसे सारी बातें सुनी है कि वहाँ क्या क्या होता था। सही है। तुम्हें सुंदस के बाबा कैसे लगे? अच्छे नहीं लगे। तुम मजाक कर रहे हो? जी नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। मेरी लव स्टोरी में सुंदस के बाबा का किरदार एक विलन जैसा है, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि वो मुझे कैसे लगे? ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, एहतिशाम साहब तो बहुत नाइस इंसान है, उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, बल्कि सारी फैमिली ही बहुत अच्छी है। शायद ऐसा ही हो। पता है आपको, मुझे सुंदस के बाबा से जेलसी फील हो रही है। Come on, तुम मजाक कर रहे हो क्या? जी नहीं, मैं संजीदा हूँ। सुंदस मेरा बड़ा वा हाथ थामने से इनकारी है, और मुझे उसके इस फैसले के पीछे उसके बाबा नजर आते हैं। वो लोग इस रिश्ते से इनकारी नहीं है। मतलब? यही खुशी की बात तो मैं तुमसे शेयर करना चाह रही थी। कल उन लोगों ने मुझे इशारा दिया है कि वो लोग इस प्रपोजल को कंसीडर कर रहे हैं, जल्दी कोई पॉजिटिव जवाब की उम्मीद है।
लेकिन सुंदस ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। वो तो उन्हीं मायूसियों और मजबूरियों का जिक्र कर रही थी जिससे उसके हाथ बंधे हुए हों। बेवकूफ है सुंदस, तुम अपना दिल छोटा मत करो मेरे बच्चे और खुश हो जाओ। वो क्यों? वो इसलिए कि अब इस बात को मैं अधूरा तो छोड़ने वाली हूँ नहीं, अब मैं उनका ऐसा पीछा लूंगी कि उन्हें हाँ तो करनी ही पड़ेगी। गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा मेरे बेटे का ऑल पाकिस्तान टूर? बहुत अच्छा रहा मेरा पाकिस्तान टूर। लेकिन मुझे एक बात का पूरा पूरा एहसास हो गया मामा। किस बात का? वो ये कि पेरेंट्स से दूरी कितना बड़ा अजाब है ना मामा। आपको पता है जब सुबह सुबह आपकी सूरत नहीं देखता था ना मैं, और बाबा की आवाज नहीं सुनाई देती थी, ऐसा लगता था कि मेरा दिन बहुत मुश्किल से गुजरेगा। ओ मेरी जान। फिर उसके बाद मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि उन्होंने मुझे इतनी चाहने वाली मामा और इतने ख्याल रखने वाले बाबा दिए। वैसे मामा, जिन लोगों की जिंदगी में ये दोनों रिश्ते नहीं होते, कितना लोनली फील करते होंगे ना। मुझे मिले जान।